पंचायत भवन में शक्ति ग्रुप मुरादाबाद की स्मारिका का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता और गुलाबी गैंग की संस्थापक संपत देवी और विशिष्ट अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका प्रिया अग्रवाल रही। आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज आर्यंस इंटरनेशनल डीपीएस एसएस चिल्ड्रन एकेडमी आरएसडी एकेडमी के विद्यार्थियों ने महिलाओं पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शक्ति की संस्थापक अध्यक्ष निधि गुप्ता ने शक्ति ग्रुप की स्थापना और शक्ति की गतिविधियों के विषय में बताया। निधि गुप्ता ने बताया कि गुलाबी गैंग चलाने वाली संपत पाल देवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 6 में प्रतियोगी रही है। संपत पर अनेकों डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी हैं और फ्रांस की एक पुस्तिका ओह ने 2008 में संपत देवी के जीवन पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी। इनके निर्देशन में संचालित होने वाला ये गुलाबी गैंग उन पतियों के विरुद्ध कार्यवाही करता है जो अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करते हैं। संपत देवी के जीवन पर आधारित गुलाबी गैंग नामक बॉलीवुड फिल्म भी आ चुकी है। संपत देवी ने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए काफी सख्त कानून और अधिकार है, लेकिन महिलाओं को इनके बारे में जानकारी नहीं है। महिलाएं बेझिझक अपने अधिकारों का प्रयोग करें और कानून का सख्ती से पालन हो। बेटियों के प्रति पूरे समाज को सकारात्मक सोच लानी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका प्रिया अग्रवाल ने कहा कि तीन तलाक पर हाल ही में निर्णय सराहनीय है। नारी शक्ति का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। संचालन गरिमा सिंह के द्वारा किया गया। समझना इनको वस्त्र दूं, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र दूं, बना ले। शहर में काम कर रही है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि जो अभी तक देखिए क्या होता था कि जो भी हम वर्कशॉप कर रहे थे उसका कोई रिजल्ट बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा था, तो हमने अभी ये पुस्तक बनाई है। इसका उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को इस पुस्तक के माध्यम से हम बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखाएंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को आत्मसुरक्षा अपनी कर पाए और अपग्रेड होकर फिर हम उसके रिजल्ट उनसे कलेक्ट करेंगे कि कितनी बच्चियों ने किन किन समस्याओं से वो जूझी और किस तरह से उनका सामना करा। और साथ में हम एक शक्ति का एक यंग गर्ल्स का ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी छात्र ऐसी छात्राओं को हम समावित करेंगे जो जो किसी भी छात्रा अगर अपनी परेशानी में है तो ग्रुप वहाँ जाके पूरा उसको सपोर्ट कर पाए और दिखा पाए कि हम पूरा वो लड़की अकेली नहीं है, वो ग्रुप पूरा उसके साथ है। तो इस तरीके की हमारी अभी प्लानिंग चल रही है और इसमें हम काम कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।